मधुमिता परिडा मृत्यु मामला रे पुलिस जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन एवं सुधा है मधुमिता परिडा तंकर बाहर होता श्रीधर जेना सहित 1 मार्च 2024 श्रीधर जेना जड़े व्यक्ति जो कि एयरफोर्स काम कर दिज घर नहीं कि लिंगीपुर रोते श्रीधर जेना एयरफोर्स जेहेतु काम करते अलग जगह रोते और बाहर पर किसी दिन पर मधुमितार जहाँ कहार अच्छी कहार कि से मित्रे टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस होता आउ 23 जुलाई रात्रि 12टा बेले मधुमिता ढौली थाना को जाते ढौली थाना रे से जाकि स्वामी श्रीधर जेना 12 दिन है छुट्टी आस इग्नोर कर ठीक से कथबार्ता होना और जदि से किसी कथबार्ता से भर झगड़ा हो डिवोर्स देवा को मध्य से धमक दूसरी जहाँफल कि सी मेंटली हैरेस्ट फील कर मधुमितार माँ राति समय रे थाना को पहुँचले और से ही समय रे मधुमिता को सी कहीं जाते कि आम आसंता काली 23 तारीख मॉर्निंग आसबू और तंकर जो स्वामी अच्छा श्रीधर जेना को से डका हम आई दिज बसईकी कथबार्ता कर थाना रे नेक्स्ट डे 23 तारीख को स्वामी स्त्री दिज थाना को जाते और थाना रे से कि आमर वर्तमान सिचुएशन ठीक अच्छे आम आई अभियोग देवा चाहूँ आने लिखित लेकिन जाते कि आम वर्तमान ठीक से चलु आमर आउ किसी अभियोग नाई परवर्ती पुणी किसी जहाँ जाना पड़ी किसी आर्गुमेंट होर मधुमिता एमती किसी तथ्य श्रीधर फोन रु पाई जहाँ जो कि देखिकी जना पड़ा कि श्रीधर अन्य महिला मान रिलेशन रही ये कारण रे से बहुत जना पड़ी कि बहुत आहत होता और से डिस्टर्ब थे काली सन्धार खबर आसला कि मधुमिता जो मृतदेह रेलवे लाइन में मिली